नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जानिए पटना में इन जगहों पर मिलेगा सीएनजी। पटना में अगले महीने से 3 और नए सीएनजी स्टेशनों की शुरुआत की जाएगी। वहीं अगले साल मार्च में 3 और नए सीएनजी स्टेशनों की शुरुआत की जाएगी। इन नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना के संबंध में परिवहन भवन में गेल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जहां नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना संबंधी वाद विवाद पर निर्णय लिया गया। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के कार्यक्रम की हुई घोषणा। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार इंटर परीक्षा 3 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक दो पालियों में ली जाएगी। फर्स्ट सिटिंग 9:30 से 12:45 तक चलेगी। वहीं सेकेंड सिटिंग में यह परीक्षा दोपहर 1:45 से लेकर 5 बजे तक ली जाएगी। वहीं प्रश्न पत्र को सही ढंग से पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में आचार संहिता हुआ लागू। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित सीनेट की बैठक में छात्र संघ चुनाव की घोषणा की गई थी। अब इस चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार इन चुनाव के लिए 24 से 26 नवंबर तक नॉमिनेशन फॉर्म दिए जाएंगे। वहीं नॉमिनेशन पेपर की जांच 29 नवंबर से शुरू होगी। साथ ही साथ 7 दिसंबर को चुनाव और परिणाम दोनों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार खरीदेगी किसानों से धान। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ किसानों के फसलों के सही दाम दिलवाने के लिए बिहार सरकार ने एक अहम पहल की है, जिसके तहत अब बिहार सरकार ने किसानों के धान की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। इस बाबत खाद्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सरकार से हर किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिचौलियों की प्रक्रिया की समाप्ति करने के लिए इस बार धान की खरीदारी की पूरी प्रक्रिया मैनुअल की जगह ऑनलाइन कर दी गई है। सनोज हुए जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित। केबीसी के मंच पर इस सीजन में बिहारियों का जबरदस्त बोलबाला रहा है, और हो भी क्यों ना, इस बार के सीजन में अधिकतर करोड़पति बिहार से ही है। उन्हीं के सम्मान में इस सीजन के पहले करोड़पति सनोज राज को जहानाबाद के स्मरणालय समकक्ष में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही साथ सनोज राज को उनके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी है। पूर्णिया के इस किसान के खेती करने का तरीका है अनोखा। पूर्णिया जिले के रूपौली प्रखंड के विनोद मंडल के खेती के अनोखे अंदाज ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। विनोद मंडल मूल रूप से जैविक खेती करने के लिए जाने जाते हैं। इनके अनोखे अंदाज से प्रखंड के लोग तो प्रभावित थे ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनकी अतरंगी खेती के तरीकों को देखकर आकर्षित हो गए हैं। दरअसल विनोद अपने खेत में नारंगी और संतरे के साथ पपीते की खेती करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से नारंगी का बीज लाकर पूर्णिया के माहौल के अनुरूप उसमें बदलाव किया है। इसके बाद पपीते के साथ नारंगी की मिश्रित खेती शुरू की है। आज विनोद महज 1 एकड़ खेत में नारंगी और पपीते की मिश्रित खेती से 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। सरयू के समर्थन में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सरयू राय और मुख्यमंत्री रघुवर दास एक दूसरे के आमने सामने मैदान में दिखेंगे। वहीं झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन पहले से ही उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अब इसी होड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सरयू राय के समर्थन में उतर आए हैं। इसका प्रमाण तब मिला जब गाजे बाजे के साथ माला पहनकर नामांकन करने पहुंचे जदयू के दोनों प्रत्याशी बिना नामांकन दर्ज करवाए वापस लौट गए। मधेपुरा जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। मधेपुरा जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। सिंघेश्वर स्थान, बाबा शिशु राउत पचरासी स्थान, मधेपुरा जिले के रामनगर गांव स्थित देवी काली के मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से मधेपुरा जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 7 से 7.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 6 से 6.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं यह समय कुछ निर्धारित ट्रेनों के लिए है, नहीं तो दूसरे रूट से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 10 से 12 घंटे का सफर करना पड़ सकता है। पटना से मधेपुरा बाय रोड की दूरी NH 27 से 282.6 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स को जल्द मिलेगा क्रेडिट कार्ड की सुविधा। छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी छात्रों को आने वाले 1 महीने के अंदर क्रेडिट कार्ड मुहैया करवा दी जाएगी। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को प्रेरित करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों के DPO को भी छात्रों से उचित व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छात्रों को इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख तक लोन दिया जाएगा।
बिजली के इस्तेमाल के लिए देने होंगे और पैसे। पूरे देश में बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, खासकर नीचे तबके के लोग बढ़ती महंगाई से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच अब सरकार बिहार वासियों को एक और झटका देने जा रहा है, जिसके तहत अब बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज के रूप में हर महीने और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाली बिजली दर में 3% बिजली महंगी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिजली का इस्तेमाल लोगों को काफी सोच समझ कर करना होगा। ऑनलाइन हुआ बिहार राज्य महिला आयोग, महिलाओं के लिए खुशखबरी। राज्य महिला आयोग ने अब ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है, जिसके तहत अब महिलाओं को किसी भी समस्या की शिकायत करने हेतु महिला आयोग दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि अब महिलाएं ऑनलाइन ही अपनी कोई भी शिकायत घर बैठे बैठे दर्ज करवा सकती हैं। आपको बता दें, महिलाएं www.mahilaayogbihar.in पर जाकर लॉग इन कर अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करवा सकती हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में बिहार ने मारी बाजी। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने महिलाओं की कैटेगरी में जीत हासिल की है। श्रेयसी ने फाइनल में पंजाब की राजेश्वरी कुमारी को हराकर यह खिताब अपने नाम दर्ज किया है। आपको बता दें, श्रेयसी ने 50 में से 42 शॉट निशाने पर लगाए, जबकि राजेश्वरी ने 38 शॉट लगाए। ज्ञात हो, श्रेयसी के करियर का यह चौथा राष्ट्रीय खिताब है। राजद की कमान संभाल सकते हैं रामचंद्र पूर्वे। राष्ट्रीय जनता दल की कमान एक बार फिर राजद सुप्रीमो के वफादार माने जाने वाले रामचंद्र पूर्वे के हाथों सौंपी जा सकती है। खबरों की माने तो लगातार 5वीं बार रामचंद्र पूर्वे की ही ताजपोशी हो सकती है। ज्ञात हो, राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। ऐसे में रामचंद्र का नाम आना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि लालू परिवार के प्रति उनकी वफादारी, बौद्धिक क्षमता, सहिष्णुता, समाजवादी चरित्र और सामाजिक समीकरण दूसरे दावेदारों की तुलना में काफी ज्यादा है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर मैथिली, हिंदी, भोजपुरी गाने गाती है। मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार की निवासी है। मैथिली का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। सोशल मीडिया से रातों रात फेमस हुई मैथिली ठाकुर कलर्स चैनल के मशहूर रियलिटी शो राइजिंग स्टार का भी हिस्सा रह चुकी है, जहां मैथिली महज 2 वोटों से इस खिताब को अपने नाम करने से चूक गई थी। मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर मिलियंस फैंस है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। मैथिली के फैंस उनकी इस कामयाबी के बराबर के भागीदार है। इसके अलावा मैथिली ने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर सिंगिंग शो इंडियन आइडल में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्हें रनर अप टाइटल से ही संतोष करना पड़ा था। नामांकन के 5 दिनों के पहले तक करवा सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज। आगामी पैक्स चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करवाने को लेकर नए नियम कानून का ऐलान किया है, जिसके बाद अब मतदाता सूची में वोटर का नाम नामांकन के 5 दिन पहले तक जोड़ा जाने का प्रावधान रखा है। पहले यह सीमा 10 दिनों की थी। ज्ञात हो, निर्वाचन प्राधिकार ने यह फैसला मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आ रही आपत्तियों को देख कर लिया है। आयुष्मान योजना के पिछड़ने पर राजद ने कसा तंज। आयुष्मान भारत योजना में बिहार के पिछड़ने पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये गरीबों के लिए अच्छी योजना है, लेकिन बिहार के पिछड़ने का कारण इस योजना में आरसीपी टैक्स का प्रावधान नहीं होना है। इस योजना से बिहार के सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। महावीर प्रशासन बनाएगा 69वें स्थापना दिवस को यादगार। भारत सरकार के 69वें स्थापना दिवस समारोह को यादगार बनाने में महावीर प्रशासन जुटा है। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयोजन को रोचक बनाने के लिए शाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेन्नई के पी श्रीनिवासन भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए महावीर के छात्र भी तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन 20 नवंबर को यानी कि आज होने वाला है। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने की मांग। हाल ही में हुए बारिश से उद्योगपतियों और व्यवसायियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी के मद्देनजर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोकसभा के प्रश्नकाल में केंद्र सरकार से यह मांग की है कि बिहार में साल 2017 एवं 2019 की बाढ़ और देश भर में उत्पन्न हुए प्राकृतिक परिस्थितियों से जिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों को नुकसान हुआ है, सरकार उन्हें बैंक में विशेष राहत मुहैया करवाए। इसके अलावा सरकार उनकी भी मदद करे जिन्होंने बैंक से लोन लिए थे मगर जल जमाव के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे लोगों को बैंक कर्ज में छुटकारा दे या फिर लोन चुकाने की व्यवस्था में सुधार करे। स्वच्छता अभियान बिहार में रहेगा अभी प्रभावी। वर्ल्ड टॉयलेट डे पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया, जहां उन्होंने राज्यभर से आए DDC और उनके साथ स्वच्छता दूत के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान को लेकर संकल्प दोहराया। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार ODF में बेहतर प्रदर्शन के बिहार के अधिकारियों ने ODF अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हम आगे भी शौचालय निर्माण के लिए राशि मुहैया करवाते रहेंगे।
गंगा नदी के गिरते जल गुणवत्ता पर विपक्ष ने कसा तंज। हाल ही में राजगीर, गया और नवादा के शहरी इलाके के लोगों को पीने के लिए जल्द ही गंगा का पानी मुहैया करवाने की घोषणा की गई थी, मगर पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार से होकर बहने वाली गंगा में पानी बचा ही नहीं है, गंगा में सीवर और नालों का पानी मिलता है, ऐसे में क्या राज्य सरकार इस पानी को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी? सरकार से नदियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है, जिस कारण राज्य सरकार दूषित पानी लोगों को पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,741 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,841 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,765 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.04 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.33 रुपए प्रति लीटर था। डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल का जब से डे नाइट टेस्ट मैच की मंजूरी मिली है तब से एक नए मुद्दे ने प्रशंसकों के दिमाग में घर बना रखा है, और वो है कि मैच में इस्तेमाल होने वाली गुलाबी गेंद का। कई लोगों के दिमाग में यह भी सवाल है कि आज तक टेस्ट मैच में लाल गेंद का ही इस्तेमाल होता था तो अब इस मैच के लिए गुलाबी गेंद क्यों? तो हम आपको बता दें कि मैच के दौरान इस्तेमाल होने वाली लाल गेंद रात के सफेद रोशनी में दिखाई नहीं देती है, खासतौर पर जब गेंद पुरानी हो तो परेशानी और ज्यादा हो जाती है, इसलिए प्लेयर्स की सुविधा को देखते हुए गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का विचार सामने आया है जो कि सफेद रोशनी में ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। फिल्म तानाजी का ट्रेलर हुआ रिलीज। अजय देवगन की नई फिल्म तानाजी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को देखने के बाद लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें तानाजी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें अजय के साथ उनकी पत्नी काजोल भी नजर आ रही है। ज्ञात हो यह फिल्म 17वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि पर आधारित ओम राउत द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारतीय इतिहास के विस्मृत योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के अगुआ तानाजी मालूसरे की जिंदगी पर आधारित है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। अरविंद केजरीवाल का खुला चैलेंज रामविलास पासवान को। हाल ही में दिल्ली समेत लगभग 20 राज्यों की पानी की गुणवत्ता की जांच के अनुसार रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ था। इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि दिल्ली के पानी की गुणवत्ता काफी बेहतर और सही है, कृपया करके केंद्र सरकार इस पर राजनीति न करे। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की 25 बड़ी खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।